नमस्कार दोस्त। देखिए, अगर आप लोग भी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत फॉर्म भरे थे और आपको अभी तक जो है उस योजना के तहत लाभ नहीं मिला हुआ है, तो इस वीडियो को भैया कंप्लीट वॉच कीजिएगा, मतलब पूरा वीडियो को देखिएगा पूरा लास्ट तक, ठीक है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप लोग भी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत फॉर्म भरे हुए थे और आप लोग को अभी तक पैसा नहीं मिला है, आगे आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यही जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा ही देखिएगा, अगर अगर थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करते हैं तो उससे जानकारी मिस हो जाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। देखिए, वीडियो बहुत छोटा बना रहे हैं, बहुत काम का जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा ही देखिएगा। और एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम सीधे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आप गूगल क्रोम ओपन करिएगा, सर्च बार में आपको टाइप करना होगा पीएम विश्वकर्मा, ठीक है। केवल इतना डाल करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, फर्स्ट में आपको लिंक आ जाएगा पीएम विश्वकर्मा का, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो पीएम विश्वकर्मा योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके पेज पर पहुंच जाओगे। इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगा। हालांकि ये वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, ठीक है। वेबसाइट पर आने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जैसे चाहे वैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको लॉग इन का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉग इन, ठीक है। इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों से नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर। तो आप जो भी नंबर से ऑनलाइन किए हुए थे पीएम विश्वकर्मा योजना में, जो भी मोबाइल नंबर डाल करके अप्लाई किए हुए थे, वही नंबर से आपका चेक होगा, ठीक है। तो वो वाला नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर डालेंगे और लॉग इन पर क्लिक करेंगे, ठीक। जैसे ही आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर आएगा 6 अंक का ओटीपी। ओटीपी डालने के बाद सिंपल सा आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, इस तरह से देखिए पेज जो है वो आपके सामने में खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम किए नहीं है कि मेरे पास ऐसा कोई फ़ोन नंबर अभी है नहीं, ठीक है। कस्टमर का हम चेक किए हुए थे तो वही हम आपको यहाँ पर उसका रिकॉर्ड करके रख लिए हुए थे, स्क्रीनशॉट करके वही हम आपको दिखा करके समझाएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। इस तरह से आपको पेज दिखेगा। अब देखिए, आपको अब चेक क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको चेक करना है ये वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा रहा है स्टेटस में, देखिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि रिव्यू पेंडिंग बाय डीएम जॉन। यहाँ पर इसका एप्लीकेशन जो है पंचायत स्तर से जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है, यानी कि जहाँ पर भी आप अप्लाई करके पेपर दिए हुए थे वहाँ से वो लोग जो अपना काम कर दिए हुए हैं, आपका पेपर जो है यानी कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो पंचायत लेवल पर नहीं है, चला गया है डीएम जोन पे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस तरह से आ रहा है तो हम क्या समझेंगे, रिव्यू पेंडिंग बाय डीएम जोन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको जो इस योजना के तहत जो है लाभ 100 नहीं 500% गारंटी है कि मिलना तय है, ठीक है। कोई इसमें संकोच नहीं। अगर कोई भी अगर आप कुछ बताता है कि नहीं ये गड़बड़ बता रहा है, हम जो बोल रहे हैं ये अगर किसी कोई बता रहे हैं कि गड़बड़ बात हम बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं, ये कोई साबित कर देगा तो जो कहिएगा वो हम मान लेंगे, ठीक है। तो जो हम आपको बता रहे हैं एक्यूरेट बता रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से मैंने लोन करवाया है पीएम विश्वकर्मा का, ठीक है। करवाया नहीं भाई साहब, हुआ है और पूरा प्रोसेस खुद हम किए हुए हैं, ठीक है। मेरा नहीं हुआ, लेकिन हमारे सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोंडो हैं जिनका हम करवाते ही रहते हैं, कई सारे योजना में करवाते रहते हैं, ठीक है। तो हम आपको वो अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे संपूर्ण जानकारी पीएम विश्वकर्मा योजना का ही, ठीक है। पैसा आ चुका है पीएम विश्वकर्मा योजना का 1 लाख रुपया, 19 तारीख को आया था, इसी मंथ में 19 तारीख को आया था पेमेंट, ठीक है, 1 लाख रुपया। तो ये अगर इस तरह से किसी का बता रहा है कि डीएम जोन में है, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि आपका पेपर जो है वो पंचायत स्तर से निकल चुका है और चला गया आपके जिला में, ठीक है। और जिला में आपका डीएम के पास जो है वो अभी वेरीफाई वो नहीं किए हुए हैं, ये वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो है आपको सीधा ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। तो ट्रेनिंग में होता क्या है कि एक बार में देखिए एक पंचायत से काफी सारे लोग जो है फॉर्म भरे हुए रहते हैं, यानी कि एक जिला से काफी सारे लोग फॉर्म को भरे हुए रहते हैं, तो एक बार में सभी को बुलाना संभव है नहीं। एक मतलब 10 को 15 को 20 को बुला करके, तो मतलब 10 15 20 को एक स्लॉट बना करके बुला करके फिर ट्रेनिंग करवाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपका नंबर आते आते जो है 2 साल लग सकता है या फिर 5 साल भी लग सकता है इसका, लेकिन लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, गारंटी है कि आपको मिलेगा, चाहे 2 साल लगे या फिर 5 साल लगे। आपको करना क्या है, आपको जिला में जाकर के पता करना है कि इसका ऑफिस कहाँ पर है। उद्योग विभाग में चल जाइएगा, उद्योग विभाग से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से आ रहा है तो आपको यह समझना है कि आपको गारंटी है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा योजना का लाभ, ठीक है। अब हम आपको दूसरा और दिखा देते हैं। देखिए यहां पर जो है काफी सारे लोग जो है वो चेक करेंगे तो स्टेटस में, देखिए यहां पर एप्लीकेशन स्टेटस है, स्टेटस में इस तरह से बताएंगे रिव्यू पेंडिंग बाय ग्राम पंचायत, ठीक है। यहां पर अभी हम आपको क्या दिखाएं,
यहाँ पर दिखाएं कि ये डीएम जोन के पास है और यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में ग्राम पंचायत में है। अगर आपका इस तरह से बता रहा है तो आपका चांसेस 90% है कि मतलब आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर अगर आप नया आवेदन किए हैं, मतलब 2-4 दिन हुआ है, अगर इस तरह से बता रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब हो गया है 5 महीना 6 महीना या फिर 8 महीना 10 महीना हो चुका है, 6 महीना 4 महीना 5 महीना 3 महीना हो चुका है, अगर तब पर भी आपका यही बता रहा है ग्राम पंचायत, रिव्यू पेंडिंग बाय ग्राम पंचायत ही बता रहा है, 2-4, 5 महीना 6 महीना हो गया है, अगर यही बता रहा है तो समझिएगा आपका कि 90% चांस है कि आपका जो है नहीं होगा। अब जो आपका पेपर जो है अगर इस तरह से बता रहा है ग्राम पंचायत, तो ये समझना है आपको कि आपका पेपर जो है अभी आपके ग्राम पंचायत में ही है, आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया है, तो आपको वहां पर जाकर के संपर्क करना है जहां पर आप पेपर जमा किए हुए थे, उससे जाकर के आपको संपर्क करना है, ठीक है। ग्राम पंचायत अगर आपको शो हो रहा है तब आपको संपर्क करना है, तो इस केस में जो है आपका चांसेस कम बन रहा है कि आपको योजना का लाभ मिले या फिर ना भी मिले। अगर इस तरह से बता रहा है आपका पेंडिंग बाय डीएम जोन, तो आपको ये समझना है कि हमको जो है आज नकल लाभ इसका जरूर मिलेगा। भाई देखिए, सरकारी योजना है, प्राइवेट तो है नहीं, सरकार का योजना है, मतलब योजना लॉन्च किया, मिलते 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 समझ ही सकते हो 25-50 साल लग जाता है एगो योजना का लाभ मिलते मिलते, तो इस तरह से होता है, ठीक है। जो भी जानकारी है हम आपके साथ शेयर कर ही देते हैं, तो इस तरह से आपको स्टेटस को चेक करना है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, किसी तरह का कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्त, जहां तक हमें पता होगा ना वहां तक हम आप लोग को जरूर बता देंगे। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं एंड, अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।